नमस्कार दोस्तों, मैं रूपमती वर्थे भोपाल से और आपका स्वागत है मेरे चैनल रूपा ग्रीन गार्डन में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दे ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोग देख सको। तो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं एक नया वीडियो, नया टॉपिक लेकर। और दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है बोगनवेलिया पे है कि दोस्तों अभी उसको किस प्रकार हम तैयार करें ताकि सर्दी के समय भर भर के फूल आए। दोस्तों, तो अभी बारिश में हमें क्या क्या काम करना है बोगनवेलिया पे, तो आज सारी कुछ बातें मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो वीडियो में बने रहे लास्ट तक के और पूरा वीडियो मेरा वॉच करना। तो चलिए दोस्तों, और थोड़ा सा मैं अपडेट देती हूँ कि एक साथ फूल खिले हैं हमारे ये बटन रोज़ में। तो दोस्तों कितने अच्छे लग रहे हैं ये देखिए। मैंने गोबर खाद अप्लाई करके और इसमें जो केयर बताई थी, और अब देखिए इसका रिजल्ट। तो देखिए कितने भर भर के आए हुए हैं ये फूल, और ये अडेनियम। और इस तरफ में भी दोस्तों इतने फूल आए थे, इसमें कम से कम 10 से 12 फूल आए होंगे। ये देखिए मैंने कटिंग कर दी है, और ये दूसरे में भी फ्लावर खिले हुए हैं और ये कलियां भी बनी हुई है दोस्तों, और इसमें भी कलियां बनी। और इस वाला जो मैरून कलर का था इसमें भी ढेरों फूल खिले थे दोस्तों, और अभी कलियां भी बनी हुई है। तो चलिए हम थोड़ा सा अपडेट दे देते हैं अपने ये इन गार्डन का। तो दोस्तों खूब अच्छे से चल रहा है गार्डन, देखिए फ्लावर की कमी नहीं है। और ये कोलियस भी देखिए दोस्तों, बारिश में कितने अच्छे से कलर हो गए हैं और अच्छी बढ़ोतरी हो रही है सारे प्लांटों की दोस्तों। इधर हैंगिंग बास्केट भी इस प्रकार चल रही है दोस्तों। और आपका कैसा गार्डन चल रहा है? अच्छा ही चल रहा होगा, क्योंकि हमारा भी अच्छा ही चल रहा है, क्योंकि मौसम इतना अच्छा है। बारिश के दिन में तो कैसे भी प्लांट हमारे रखे हुए होंगे अच्छे से ही चलेगा दोस्तों, अच्छे से ही चलेंगे। और थोड़ा सा अपडेट मैं इस छत का देती हूँ, यहाँ पर भी हमारा गार्डन बना हुआ है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से चल रहा है यहाँ पर भी। और इधर देखिए आलमांडा में, उधर पीले वाले में खिले थे, इधर ये वाला आलमांडा खिल रहा है, ढेरों फूल रेली रेली निकलते हैं दोस्तों देखिए, और कलियाँ भी बनी हो। और इधर हमारे हिबिकस भी देखिए कितने अच्छे से खिले हैं, ये वाइट वाला, उधर पिंक वाला है देसी वाला, और इधर ये देखिए ये पर्पल वाला है, इसमें भी काफ़ी फूल खिले हैं। ये देखिए कितने फूल खिले हैं दोस्तों, ये देखिए पूरे ऊपर तक के। और एक ये वाइट कलर का है, इसमें भी खिल रहे हैं। और एक ये हिबिस्कस देखिए, इसमें भी बहुत ही अच्छे से, इसका पिंक कलर है, इसमें भी काफ़ी फ्लावर खिले हुए हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम टॉपिक पर आ जाते हैं और ले चलते हैं आपको अपने प्लांट्स के पास में। और अभी शाम का वक्त है, क्योंकि दोस्तों तीन चार दिन से लगातार बारिश हो रही है, कि बारिश के चलते हम कोई वीडियो बना भी नहीं पाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये है हमारे बोगनवेलिया के प्लांट, और दोस्तों इसमें इतने सारे फूल खिले थे, ढेरों फूल खिले थे, लेकिन सारे फूल अब ख़त्म हो गए। और अब नई फिर से, ये देखिए फिर से हमारी नई कलियाँ बनने लगी है। तो अभी हमें बारिश में इसमें कौन सा काम करना है, ये तीनों कलर के अलग अलग रखे हुए हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि सबसे पहले आप अपने जो भी खरपतवार उग गई है उसको हटा दीजिए दोस्तों। ये देखिए कितनी सारी बिट्स हो गई, और बारिश में तो ये इतनी उग जाती है कि हम कितना ही साफ़ करते हैं, 15-20 दिन में हम फिर से देखते हैं तो फिर से ये नए नए छोटे छोटे प्लांट निकल जाते हैं। ये मैंने करीबन एक महीने या 25 दिन पहले इसकी सबसे अच्छी गुड़ाई करी थी और सफाई करी थी, फिर से ये हो गए हैं। तो हमें सब इनको हटा देना है, ये जो पत्ते, ये जो सूखे पत्ते हैं ये भी सब फंगस का कारण बनेंगे, फंगस क्रिएट करते हैं बारिश के दिन में। तो इनको हमको सबको हटा देना है दोस्तों, पूरा हमारा जो गमला है पूरा क्लीन कर देना है। और फिर क्या करना है, फिर हम इसमें गुड़ाई करेंगे। फिर एक ख़ास चीज़ और बताऊंगी दोस्तों, कि वो काम भी ज़रूरी करना होता है हमारे बोगनवेलिया का। अगर अभी हम इसकी तैयारी कर लेंगे और अभी इसकी केयर कर लेंगे तो आने वाले समय में इसमें ढेरों फूल आएंगे।
तो दोस्तों ये साफ़ हो गए। अब हम इसमें गुड़ाई कर लेते हैं। इसी प्रकार ये जो ये वाला जो पॉट है इसमें भी देखिए कितना सारा कचरा उग गया है। ये जंगली घास है दोस्तों, और ये देखिए ये सारा कुछ हमें हटा देना है ये। और ये भी पूरा इसी प्रकार इसको भी पूरे हमारे जितने भी गमले हैं सबकी सफाई कर लेना है हमें। तो अच्छे से सफाई करके फिर हमें इसकी गुड़ाई कर लेना है। गुड़ाई बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और गुड़ाई तभी करना है जब थोड़े से पानी की बतड़ हो जाए, जैसे बारिश ना गिरे एक दिन। ऐसे दो चार दिन से डेली बारिश हो रही थी, लेकिन आज सुबह से बारिश नहीं हुई है, तो थोड़ी मिट्टी में थोड़ी सूखापन आ गया है। तो दोस्तों ये देखिए जड़ें एकदम इकट्ठी हो गई है। तो गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है। हमारी जो जड़ें होती है उसको सांस लेने के लिए ऊपर नीचे कर लेते हैं, तो इसमें एयर चली जाती है दोस्तों, तो जड़ों के लिए भी अच्छा होता है। और जो इकट्ठे हमारे जो प्लांट की जो जड़ें इस प्रकार बन जाती है तो वो भी खुल जाती है, और खुलने से इसमें जो भी हम खाद पानी जो भी खाद वगैरह देंगे तो अच्छे से नीचे तक के जड़ों तक के पहुँच जाती है। तो इसलिए दोस्तों गुड़ाई बहुत ज़रूरी, हर 15-20 दिन में या कितना भी लेट हो गया तो एक महीने में एक बार तो गुड़ाई करना ज़रूरी होता है। इसी प्रकार हम सारे गमलों की गुड़ाई करके और अच्छे से कर लेंगे। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, तो उसके बाद में मेन काम ये है कि आप अपने गमले को देख लीजिए कि आपका जो प्लांट है वो शेप में है कि इधर उधर भाग रहा है। तो दोस्तों ये देखिए ये वाला प्लांट मेरा शेप में है, ये मैंने अभी कुछ दिन पहले ही इसकी कटिंग छटिंग की थी। ये देखिए ये कटिंग की थी, तो ये मेरा प्लांट एकदम शेप में है, एकदम बुशी लुक है, एकदम आड़ा टेढ़ा नहीं भाग रहा है। और ये वाला भी मेरा अच्छा है, और ये वाला देखिए, क्योंकि यही समय ऐसा होता है कि तब हम अपने प्लांट की चाहे हार्ड प्रूनिंग हो चाहे सॉफ्ट प्रूनिंग हो, हार्ड प्रूनिंग भी कर लेंगे ना हम तो हमारा प्लांट को कुछ नहीं होगा, अच्छे से सर्वाइव हो जाएगा। क्योंकि बारिश के दिन है तो बारिश के दिन ही सबसे अच्छा समय होता है हमारे प्लांट की रिपोर्टिंग करने की। अगर हमारा प्लांट में रूट बॉन्ड हो गया है तो इसकी रिपोर्टिंग कर लीजिए, लेकिन मुझे नहीं करना है, मेरे प्लांट में नहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम है। तो आप रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं और ऊपर से आप हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं। जैसे ये देखिए ये स्टेम कितनी दूर दूर भाग रही है दोस्तों, एकदम फैली हुई है। और ये दो प्लांट मेरे शेप में है, मैं अच्छे से दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों मैंने दीवार से नीचे उतार लिया है, और ये देखिए हमारे प्लांट की स्टेम कहाँ कहाँ भाग रही है, बहुत ही आड़ी तेरी और मतलब बे शेप में है। तो हमें इसको शेप में करने का बहुत ही अच्छा समय है, तो इसकी हम हार्ड प्रूनिंग करेंगे, बिल्कुल इसको शेप में लाएंगे। तो दोस्तों मैंने ये कटर ले लिया है, और कटर को अच्छे से आप साफ़ कर सकते हैं टिंचर से या सैनिटाइजर जो होता है उससे भी साफ़ कर सकते हैं हमारे कटर को। तो दोस्तों मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग की करूँगी, पूरा शेप में लेके आऊँगी मैं इस प्लांट को। तो मैं इसकी यहाँ से कट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं ये पूरी एक सिंगल ब्रांच है, यहाँ से कट करूँगी तो इसमें से बहुत सारी स्प्राउट निकलेगी और नई नई ब्रांचेस निकलेगी, तो हमारा जो प्लांट है वो एकदम बुशी लुक आ जाएगा। और एक ब्रांच हमारी ये है, ये भी बहुत टेढ़ी भाग रही है, तो इसको भी मैं यहाँ से कट करूँगी, इसमें भी दोस्तों ब्रांचेस निकलेगी और हमारा जो प्लांट है अच्छा बुशी लुक हो जाएगा। और एक ब्रांच ये है, इसको भी मैं कट करूँगी इस प्रकार। तो ये मैंने हार्ड प्रूनिंग कर लिया है, और ये प्लांट हमारा बिल्कुल शेप में आ गया है। और फिर क्या करेंगे, हमारी जो स्टेम है ये, इसकी हम कटिंग लगा लेंगे, क्योंकि ये पेंसिल इतनी है और बहुत ही अच्छे से कटिंग लगेगी, और ये समय भी बहुत ही अच्छा है समय कटिंग लगाने का। उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, इसमें खाद देंगे। तो दोस्तों खाद में मैं क्या दूंगी, ये मेरे पास गोबर खाद है, अधिकतर मैं यही खाद देती हूँ, और इसी को मैं अच्छा रिच बनाने पर, अच्छी उम्दा क्वालिटी का बनाने के लिए मैं इसमें क्या ऐड कर देती हूँ, DAP के दाने ऐड कर देती हूँ। और उसी में मैं या तो जो
पोटास आता है, पोटास को मैं ऐड कर देती हूँ, क्योंकि हम ये हमारा फूलों वाला प्लांट है तो हमें फूलों की ज़रूरत है, तो उसमें पोटास की मात्रा बहुत ही एक अहम भूमिका निभाती है फूलों वाले प्लांट में, तो पोटास की ज़रूरत बहुत होती है। और इसी में मैं फंजीसाइड का पाउडर मिला देती हूँ, तो इस प्रकार मेरी जो खाद है बहुत ही अच्छी बन जाती है। ये मैंने सारी चीज़ इसमें मिला चुकी हूँ। और फिर हमें क्या करना है कि इसके आसपास हमें ये इसमें दे देना, तो मैं इसमें 3 से 4 मुट्ठी खाद दूंगी, क्योंकि बारिश का दिन है, इसमें थोड़ी बहुत ज़्यादा भी हो जाएगी खाद तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि बारिश के समय में थोड़ी खाद ज़्यादा भी हो जाए, और हमारी ये गोबर खाद है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। गर्मी के दिन में थोड़ा सा डर रहता है कि थोड़ा ज़्यादा ना हो जाए, तो इस प्रकार मैंने इसमें 4 मुट्ठी दे दी है। और फिर हमने ऊपर नीचे कर लिया है इसको इस प्रकार। अब इसमें बारिश का पानी लगेगा तो जो धीरे धीरे खाद ये हमने गुड़ाई की है तो धीरे धीरे ये सारी जड़ों में भी अंदर जाता जाएगा, और फिर हमारा ये 8-15 दिन में बहुत ही अच्छे से काम करेगा, क्योंकि अभी फूल नहीं आ रहे हैं इसमें, तो अच्छे से फूल आएंगे और बहुत ही अच्छे से ये चलेगा दोस्तों। तो इस प्रकार आप इसका ध्यान रख सकते हैं, और अभी ये सही समय है हमारी ये जो काम करने का है, तो इस प्रकार आप इसकी केयर कीजिएगा और दोस्तों इसको फिर रख दीजिए। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों कमेंट्स करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।